कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट क्या होती है? ये कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, मैं डॉक्टर दीप्ति जैन नेफ्रोलॉजिस्ट, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानने के लिए कि कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। नॉर्मली हर महीने, जैसा कि आपको पता है महीनों में पीरियड्स आते हैं, हर महीने हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, हर महीने कुछ फॉलिकल्स अंडाशय में ओवरी में डेवलप होते हैं, उनमें से एक फॉलिकल बड़ा होता है जिसमें से कि अंडा निकल के बाहर आता है। दिस इज अ नॉर्मल थिंग विच अकर्स इन एवरी साइकिल, यानी कि हर महीने यह चीज़ रिपीट होती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। इसमें जो एक फॉलिकल ग्रो होता है जिसमें कि अंडा निकल के आता है, अंडा तो निकल के बाहर आ जाता है, लेकिन जो पीछे फॉलिकल रहता है उस फॉलिकल के अंदर कुछ सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो सेल्स एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। बेसिकली इस कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन ये होता है कि ये हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये मेनली इसलिए बनता है कि अगर प्रेगनेंसी हो तो उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। अब बाई चांस अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये अपने आप डिजॉल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है और हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है और पीरियड्स आ जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और बाय चांस अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि जो अंडा बाहर निकला है वो फर्टिलाइज हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये वहीं पे रहता है, डिसअपियर नहीं होता। ये हार्मोन सिक्रीट करता रहता है जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। ये शुरू के 7 से 9 हफ्ते के बीच में की मेन रिक्वायरमेंट रहती है, उसके बाद बच्चा अपने आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर पाता है, हार्मोन सिक्रीट होने लग जाते हैं और भी सोर्सेज से। 10 हफ्ते के बाद यूजुअली ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है यह डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये तो बात हुई नॉर्मल कॉर्पस ल्यूटियम की। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे कि सपोजिटली अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो अब थोड़े समय बाद इस कॉर्पस ल्यूटियम को अपने आप डिजॉल्व हो जाना चाहिए था, परंतु ये डिजॉल्व नहीं हो, इसके अंदर फ्लूइड या फिर ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाए, तो ये एक सिस्ट का रूप ले लेता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। कभी कभी ये सिस्ट प्रेगनेंसी के दौरान भी हो जाती है, यानी कि इसके अंदर वो सेल्स तो है ही, साथ में फ्लूइड भी एक्युमुलेट हो जाए, तो ये कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट का रूप ले लेता है। ये बहुत घबराने वाली या चिंता का विषय नहीं होता है, ये यूजुअली इसे हम फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट कहते हैं और ये अपने आप ही डिसअपियर होती आती है। यूजुअली जब पीरियड्स आते हैं उसके बाद ये अपने आप चली जाती है। कभी कभी किसी केस में उसके नेक्स्ट साइकिल में वे नहीं जाती, तो 2-3 महीनों में ये यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में चली जाती है। सपोजिटली 2-3 महीने में भी अपने आप डिसअपियर नहीं हुई, तो हम इसके लिए कुछ गोलियां देते हैं जिससे कि ये घुल जाए, जिससे कि ये डिजॉल्व हो जाए। नॉर्मली ये 3-4-5 सेंटीमीटर यही इसका साइज होता है, कभी कभी रेयरली ये बहुत बड़ी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर तक भी जा सकती है। जब ये साइज के अंदर थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो पेट में दर्द दे सकती हैं, पेल्विक एरिया में पेन हो सकता है, महिला को ऐसा लग सकता है कि हमेशा पेट भरा हुआ है, कुछ खाया नहीं है फिर भी भरा भरा पेट के सेंसेशन हो सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है, ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, ब्लीडिंग वजाइनल ब्लीडिंग यानी पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम यूजुअली इसको हार्मोन्स देके ठीक करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 2-3 महीने के लिए आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे कि यूजुअली ये मोस्ट ऑफ द केसेस में चली जाती है। किंतु कभी कभी रेयरली ये बहुत बड़ी हो जाती है और दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो हमें सर्जरी करने की ज़रूरत आती है। लेकिन वो कॉमन नहीं है, दैट इज़ क्वाइट रेयर, और दूरबीन से उसकी सर्जरी करने की ज़रूरत भी आती है, तो दूरबीन से बहुत ही आसानी से हो जाती है। अब आई बात प्रेगनेंसी की, कि कभी कभी प्रेगनेंसी में भी जब हमें कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट दिखाई देती है तब हम उसका कोई भी ट्रीटमेंट या इलाज नहीं करते हैं, हम कोई हार्मोन की दवाई नहीं देते हैं उसे ठीक करने के लिए, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि कॉर्पस ल्यूटियल चला जाए, क्योंकि वह प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हम दवाई वगैरह कुछ नहीं देते, लेकिन हाँ हम उसको ऑब्जर्वेशन में ज़रूर रखते हैं। 3-4 सेंटीमीटर की हमें कोई ज़्यादा चिंता नहीं होती, किंतु अगर ये ज़्यादा बड़ा होता है तो हम सोनोग्राफी करके उसे रिपीट करके देखते हैं। नॉर्मली जब हम सोनोग्राफी, नेक्स्ट सोनोग्राफी जो 11-12 हफ्ते में की जाती है, उस टाइम तक मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सिस्ट अपने आप गायब हो चुकी होती है। किंतु अगर सिस्ट गायब नहीं हो रही है, पेन ज़्यादा है, तो हमें बीच में भी सोनोग्राफी करके देखनी पड़ सकती है, और बहुत ही बहुत रेयर केसेस में प्रेगनेंसी के दौरान इसकी सर्जरी आ सकती है, लेकिन वह एक्सट्रीमली रेयर है, तो सिर्फ
सोनोग्राफी में लिखा हो कॉर्पस ल्यूटेसिस, तो उस रिपोर्ट की आप बहुत चिंता नहीं कीजिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सर्च करने की जरूरत नहीं रहती और ज़्यादा बहुत है थोड़ी बहुत दवाइयाँ दी जाती हैं। सर्जरी की रिक्वायरमेंट बहुत ही रेयर 1-2% केसेस में भी नहीं आती, उससे भी कम केसेस में आती हैं। इसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छे में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। धन्यवाद।